देखिए दोस्तों, मेरे पास एक जो 30 वैट का ओरियो का जो हेलोजन आता है एलईडी में, वो रिपेयरिंग के लिए आया था। तो इसका जो सर्किट है पूरा ख़राब हो चुका है, बस्ट हो चुका है, क्योंकि सामने वाले से जो लाइट आया था तो बताया कि जो फेस टू फेस जो बोलते हैं उसको हो गया है, 450 जो वोल्ट है उसके अंदर घुस गया था। तो ये पूरी तरह से ये सर्किट खराब हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए, यहाँ पर पीएफ भी ख़राब हो चुका है। पीएफ के बाजू में जो रजिस्टर होते हैं वो भी ख़राब हो चुके हैं। आईसी भी फट चुका है इसका, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर मॉसफेट जो है वो भी ख़राब हो चुका है। प्राइमरी जो है वो सब उसकी ख़राब हो चुकी है। तो इस समय हम कभी इसके नए पार्ट डालते हैं तो ये चलता है या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और ये जो एलईडी उसमें लगी हुई है तो उसमें दिया है 30 वाट का, तो हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे कितने वोल्ट का है। तो देखिए, 90 वोल्ट तक ये दिखा रहा है, 88, 91। तो एलईडी चेक करने के बाद हमें समझ में आएगा कि ये 90 वोल्ट तक इसको पावर चाहिए। तो इसके लिए मैंने जो सर्किट आता है एलईडी का जो 90 वोल्ट तक दे सकता है वो मैंने चूज़ किया है। ये देख सकते हैं आप, ये सर्किट है यहाँ पर। और ये सर्किट हम इस पे लगा के देखेंगे कि अपना जो एलईडी हैलोजन है वो चालू होता है या नहीं होता है, कि ये मैच होता है नहीं। तो ये 100% मैच होना चाहिए, क्योंकि जो वोल्टेज के हिसाब से ही मैंने ये मंगाया था। तो चलिए देखते हैं इसका जो पावर लगा के हम चेक करेंगे। यहाँ पर मैं इनपुट की वायर फिटिंग कर देता हूँ। यहाँ पर लाइन इन की, तो इस तरह से मैंने अभी इसको फिटिंग किया। तो इसको यहाँ पर थोड़ा फिटिंग कर देते हैं, जॉइंटर को उसको 1 नट लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने अभी लगा दिया, और प्लस माइनस जो वायर है वो भी हम लगाएंगे। पहले इसका जो वायर था वो निकाल लेंगे, क्योंकि उसको शॉकेट है तो हमें शॉकेट की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे हम यहाँ पर प्लस पे प्लस, माइनस पे माइनस वायर जोड़ देते हैं। याद रहे, यहाँ पर प्लस पे जगह माइनस, माइनस पे जगह प्लस मत लगाना, क्योंकि एलईडी ख़राब हो सकती है और सर्किट भी ख़राब हो सकता है। तो देखकर ही लगाना वहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर प्लस पॉइंट है तो यहाँ पर प्लस पॉइंट ही लगाना रेड वायर को, और वहाँ पर नेगेटिव पॉइंट पे ब्लैक वायर लगा लेना। ओके, तो चलिए इस तरह से वायर लगाते हैं। आराम से काम करना, कोई घाई नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर ठीक तरह से मेरी शॉल्डरिंग हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं। और अभी तक मैं डाल भी चुका हूँ बहुत सारे वीडियो एलईडी, एलसीडी और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने जो सर्किट का फिटिंग किया और आपको एलईडी चालू करके दिखाया। इसको हम फिटिंग करने के बाद ही मैं एक बार आपको लगा के दिखाऊंगा। तो धीरे से मैं अभी ये फिटिंग कर देता हूँ यहाँ पर। जब फिटिंग करेंगे तो और ग्लो आ जाएगा उसको। तो चलिए, यहाँ पर उसके स्क्रू में लगा देता हूँ।
यहाँ पर हमारा जो कांच है वो भी लगाना पड़ेगा, तो चलिए ये भी लगा देते हैं। उसके बाद ऊपर का कवर लगा देते हैं। तो इस तरह से हमारा हैलोजन अभी रेडी हो चुका है, और अभी इसके स्क्रू लगा देंगे, चार स्क्रू लगा देते हैं। इस तरह से हमारा जो एलईडी लाइट से बन चुका, और अभी मैं एक बार आपको चालू करके भी दिखाता हूँ। चार स्क्रू मैंने अभी लगा दिए मशीन की सहायता से। इस तरह से ओके, अभी मैं चालू करके आपको दिखा देता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना दोस्तों, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होता जाते जाते सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।